आप देख रहे हैं न्यूज 14 भिवंडी और मैं हूं सैयद नकी हसन। पेश है टॉप 10 न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 31 दिसंबर की रात भिवंडी में अलग अलग जगह पर नाकेबंदी कर ट्रैफिक पुलिस ने 150 ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले दर्ज किए। भिवंडी महानगर पालिका का अगला लोकतंत्र दिवस 6 फरवरी को। आयुक्त ने लोगों से शिकायत दर्ज कराने की अपील की। लू मजदूर के सर पर हथियार से हमला। करौली पुलिस चौकी के सामने कच्चे रोड पर सीताराम सुरबुल यादव लू मजदूर के सर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हथियार से हमला करके जख्मी कर दिया, जिसकी शिकायत भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली गई। भिवंडी के भादवड़ नाका से 50,000 कीमत की होंडा डिलक्स मोटरसाइकिल चोरी। अशोक पृथ्वी सिंह की शिकायत पर शांतिनगर पुलिस स्टेशन में चोरी का मामला दर्ज। बिजली चोरी के मामले में कनेरी रामेश्वर मंदिर के पास एक घर से 1298 यूनिट की बिजली चोरी का मामला शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। पुलिस परमिशन के बिना आंदोलन कर रहे 16 आंदोलनकारियों पर भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। महाड़ा कॉलोनी में तीन पत्ता नाम का जुआ खेल रहे 7 आरोपियों के खिलाफ निजामपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। थाने से भिवंडी जाने वाली MSRTC बस में लगी आग, बाल बाल बचे यात्री। भिवंडी डेपो की बस में 65 यात्री सवार थे। भिवंडी में अजीत पवार के खिलाफ बीजेपी का जूता मारो आंदोलन। महाराष्ट्र में 86,000 बिजली कर्मचारी हड़ताल पर गए, कई जिलों में बत्ती गुल। भिवंडी की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।